दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इंदौर में इस वक्त मैं हूं और हम बात करेंगे आज मिर्ज़ापुर सीजन की। जो नया सीजन आया है मिर्ज़ापुर का, वो उसका एक अलग ही टेस्ट है ना। आपने देखा है मिर्ज़ापुर इस बार बड़ा लोगों का प्यार भी मिला है। मेरे साथ रोहित तिवारी हैं और बड़ी भूमिका में इस बार मिर्ज़ापुर में आप हैं। साहब बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सभी ने देखा और मेरे दोस्त हैं वो भी बड़ी तारीफ करते हैं ना। बट तहे दिल से आपको मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी एक्टिंग आपने की है। उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि आप इंदौर से हैं और हम इंदौर में इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, तो ये भी एक हमारी खुशनसीबी है। तो शुरुआत अगर मैं सवाल की करता हूँ साहब, पहले जो मिर्ज़ापुर की जब हम बात करते हैं, मिर्ज़ापुर क्या है, मतलब क्यों लोगों को पसंद आ रही है और ऐसा क्या आपने मसाला डाल दिया, इंदौर की भाषा में कहूँ तो कौन सा जीरावन डाल दिया है कि बड़ा टेस्ट आ रहा है उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने, मिर्ज़ापुर में जो जीरावन है वही सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। असल में जब मिर्ज़ापुर पहला सीज़न आया था उस समय तक दर्शकों ने ऐसा कुछ देखा नहीं था। मतलब ये जो एक हार्टलैंड जो बोलते हैं, गाँव पे बेस्ड या स्मॉल टाउन्स पे बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनी थी या कंटेंट बन रहा था, लेकिन जो जिसको बोलते हैं ना कि जो सीधा अंदर तक जाके और बिल्कुल ठेठ उस जगह के लोगों को लेके, उस जगह की भाषा को लेके और उस जगह का जो एक माहौल है वो लोगों ने नहीं देखा था। तो जब पहला ही सीज़न मिर्ज़ापुर का जो आया था वो लोगों के लिए बहुत ही फ्रेश था और एक एक अलग दुनिया लोगों को देखने को मिली। नहीं तो उसके पहले तक जो फिल्मों में या वेब सीरीज़ भी नई नई शुरू हुई थी, बट फिल्मों में जनरली अगर मैं बात करूँ तो जो गाँव का एक माहौल रहता था या जो गाँव की भाषा रहती थी वो फिल्मी गाँव वाली भाषा रहती थी, जिसमें थोड़ी यूपी का टच रहता था, थोड़ा बिहार का टच रहता था, थोड़ा बुंदेलखंडी भी डाल दी जाती थी, तो ऑथेंटिसिटी भी नहीं थी। तो जब लोगों ने भाषा इतनी ऑथेंटिक सुनी, कैरेक्टर्स जो थे मिर्ज़ापुर के वो इतने रियल लगे कि जैसे भले ही हम इंदौर में देख रहे हों या राजस्थान में देख रहे हों, लेकिन उनसे मिलते जुलते हमें हर किसी कैरेक्टर से मिलता जुलता कोई ना कोई कैरेक्टर अपने आसपास था कि यार ये तो इसके जैसा है, ये तो गुड्डू भैया है, ये तो बबलू है, ये तो वकील साहब हैं। तो वो जो एक तड़का जो उन्होंने लगाया कि अगेन वापस जो आपने बिल्कुल सही चीज़ बोली कि भले ही वो बर्गर खा रहे हों लेकिन टिकिया के ऊपर अगर थोड़ा सा जीरावन डाल दें और फिर खाएं तो जो एक ऐसा लगता नहीं कि अरे ये तो अपना वाला स्वाद था, तो वो चीज़ मिर्ज़ापुर ने दी। अच्छा, जो वेब सीरीज़ अभी बन रही है जिस तरह की, हमने पंचायत भी देखी है, उसमें भी रीजनल टच है भाषा में और मिर्ज़ापुर में भी रीजनल टच है, तो जो भाषाई बंधन है वो भाषाई बंधन अब नहीं रह गया या कुछ और हो गया है, ये क्या एक नई परिभाषा गढ़ गई है, क्या कहेंगे? आई थिंक इसका सारा क्रेडिट OTT को जाता है, क्योंकि फिल्मों में एक लिमिटेशन ये रहती थी कि फिल्में एक तो सर्टन रीजन्स में रिलीज़ होती थी और उस रीजन के हिसाब से ही वो लोग ध्यान रखते थे कि अगर हिंदी फिल्म है तो उसका टेरिटरी जो है नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया तक ज़्यादा है, साउथ में शायद उतने स्क्रीन्स में नहीं होगी। OTT ने और डिजिटल ने क्या किया है कि इस बंधन को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। आपने एक बार रिलीज़ कर दिया, अपलोड कर दिया, आप वो नॉर्वे में बैठ के और स्विट्ज़रलैंड में बैठ के भी कोई आदमी देख सकता है। और दूसरा उसका एक और फ़ायदा ये भी हुआ कि जो हमारे यहाँ की ऑडियंस थी उसने बहुत सारा बाहर का कंटेंट भी देखना चालू किया, तो जो एक सबटाइटल वाली चीज़ को लेके एक जो मन में दुविधा रहती थी कि यार पता नहीं कैसा लगेगा, वो भी मज़ा आने लगा उसमें। तो अब ऐसा है कि मिर्ज़ापुर है जैसे पंचायत है, उसको ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी लोग देख रहे हैं, बिकॉज एक तो नया कंटेंट देखने को मिल रहा है, एक नई दुनिया देखने को मिल रही है। पंचायत भी एक गांव की कहानी है, मिर्ज़ापुर भी मोर और लेस एक छोटे शहर या गांव की कहानी है, लेकिन दोनों की दुनिया बहुत अलग अलग है, दोनों की भाषा बहुत अलग अलग है, दोनों के कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिससे हम रिलेट कर पाते हैं। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात आई है कि व्यक्ति अपने आप को उस वेब सीरीज़ में जीने लगता है या उसमें पाने लगता है या तो अपने आप को या अपने आसपास के किसी किरदार को। और न सिर्फ ये, अगर सिर्फ इंडिया का कंटेंट नहीं, बाहर का भी जो कंटेंट आजकल लोग देख रहे हैं, जैसे लॉकडाउन में मैंने मलयालम सिनेमा बहुत देखा और वहाँ की जब स्टोरीज़ देखी तो अभी तक हमको ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं, वहाँ कल्चर अलग होगा, ठीक है वहाँ कल्चर बोलचाल रहन सहन अलग है, लेकिन जब किरदार देखते हैं, जब उनके इमोशंस देखते हैं, उनके आपसी जो तालमेल है, मनमुटाव है, सब तरह की चीज़ें देखते हो, ऐसा लगता है ये तो अपने साथ भी होता है। और बिल्कुल एकदम ज़मीनी भाषा, मतलब जो बिल्कुल हम जिसे कहें कि विदाउट कैमरा जो भाषा है वो कैमरे पर है। एग्जैक्टली, वो जो ठेठपना रहता है वो सुनने में, क्योंकि भले ही कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं भी आ रही हैं लेकिन ये मालूम रहता है कि भाई ये ऑथेंटिक है, तो उसका जो एक स्वाद रहता है कि वो जो एक असली ठेठ चीज़ है कि हाँ ये भले ही ये बुंदेलखंडी बोल रहे हैं या मलयालम बोल रहे हैं लेकिन वो एकदम ऑथेंटिक भाषा है, तो फिर हम उसके, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हम इंदौर में हैं, हम ठिलवाई बोल लेंगे, yes.
लेकिन ठिलवई का एग्जैक्ट कंटेक्स्ट मुझे इंग्लिश में देना या किसी और भाषा में देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं उसको बोलूंगा कि डोंट डू दिस, डोंट बी फूल दिस दैट, लेकिन वो जो एक एक टेस्ट और एक जो टाइमिंग आएगी कि ठिलवाई मत कर रहे, उसमें जो एक टाइमिंग आएगी, जो एक लाफ्टर आएगा, वो नहीं आएगा। लेकिन तो पब्लिक को अगर भले ही वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो टाइमिंग के साथ जो चीज़ बोली जा रही है और दिल से जो चीज़ होती है निकलती है, तो वो मज़ा जो आता है वो अलग रहता है। सहज भाव से चीज़ें निकलती हैं बिल्कुल आराम से, वो फिर वो सीधे दिल से दिल तक पहुंचता है। अच्छा, भाषा नहीं रह जाती इसमें। जैसे जब मिर्ज़ापुर में आप पहला जो एपिसोड आपने किया, फर्स्ट एपिसोड, तो दिमाग में क्या चल रहा था, क्या क्या चीज़ें अंदर चल रही थी कि आगे क्या होगा, कैसे आप मिर्ज़ापुर तक पहुँचे, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। फर्स्ट एपिसोड जो मेरा था वो सेकेंड सीज़न में मैंने एंट्री की थी। तो जब मुझे कास्टिंग बे जो कंपनी है जो उसकी कास्टिंग कर रही थी, उनकी तरफ से कॉल आया कि भाई मिर्ज़ापुर के लिए एक कैरेक्टर है ऐसा है, तो पहले तो वो बिकॉज उस समय तक मिर्ज़ापुर सीज़न 1 बहुत पॉपुलर हो चुका था, तो देख के जब आया था तब ऐसा लग रहा था अरे यार इसके बारे में पता क्यों नहीं चला, अपने को भी काम करना था इसमें, कोई तो कैरेक्टर करना था, बड़ा मज़ा आता। जैसे ही सेकेंड, तो जो बोलते ना कि वो मैनिफेस्टेशन जो किया था कि भाई दिल से शायद मन में मान लिया होगा कि यार करना है काम, तो वो सेकंड सीज़न का आया। तो पहले तो जनरली होता ही है कि ऑडिशन जब आता है तो आप ये सोचते हो कि यार कैरेक्टर क्या है, कैसा कैरेक्टर है, अच्छा है कि नहीं, स्क्रीन टाइम क्या है। मिर्ज़ापुर से आया तो पहला तो थॉट ये था कि अरे वाह चलो यहाँ से आया, मन की बात हो गई, मन की बात हो गई। फिर उसके बाद फिर कैरेक्टर पढ़ा, देखा तो लगा कि नहीं अच्छा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उन लोगों ने कि भाई ये कैरेक्टर इस तरह का कैरेक्टर है। हालाँकि अगर आप देखें तो जिस तरह के किरदारों के लिए वो मुन्ना भैया हों चाहे गुड्डू भैया हों, उनकी जैसी भाषा है उनके लिए मिर्ज़ापुर एक पॉपुलर हुआ था। मेरा कैरेक्टर इसके बिल्कुल विपरीत, बहुत सौम्य सा, सभ्य सा, सिंपल सी भाषा बोलने वाला, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, और उसमें भी राजनीतिक जीवन में भी सीएम का पीए है, उस सीएम भी एक बार लिबर्टी ले सकता है, ये बेचारा तो कहीं लिबर्टी नहीं ले सकता। तो मेरे को लगा कि नहीं यार ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि कॉन्ट्रास्ट जो है शायद एकदम, क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर्स थोड़ा सा ओवर द टॉप हो रहे हैं, तो ये कैरेक्टर शायद लोगों को समझ में भी आए। तो मैंने जाके ऑडिशन दिया उसका, उन लोगों ने स्क्रिप्ट दे दी थी, 2-3 बार अलग अलग तरीके से ऑडिशन हुआ। फिर जो डायरेक्टर्स थे उस फर्स्ट सीजन में, गुरमीत सिंह थे और मिहिर देसाई थे, तो उन लोगों को शायद पसंद आया ये किरदार, तो फिर ये फाइनल हुआ। और आई थिंक 2018 में शायद मैंने शूट किया था, मुझे अब ध्यान भी नहीं आ रहा मेरा पहला सीन कौन सा मैंने शूट किया था, लेकिन वो एक्साइटमेंट पूरा था। और सबसे मज़े की बात ये हुई कि मुझे एक हिचक थी कि यार पहला सीज़न हो चुका है तो टीम में अपने आप एक दोस्ती सबकी बन जाती है। आप सेकंड सीज़न में जब जाते हो तो आप थोड़ा सा नए से रहते हो, लेकिन वो कोई भी किरदार हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे वो अली फजल हो, चाहे दिव्येंदु हो, जिनके भी साथ मेरे सीन्स रहे, या डायरेक्टर्स हो या डायरेक्शन टीम हो, किसी ने भी ये नहीं फील होने दिया कि भाई ये नया किरदार आया है। मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं इनके साथ बहुत टाइम से काम करता रहा हूँ, तो वो जो एक दोस्ताना माहौल था उसमें बड़े अच्छे से काम, ये कहिए कि साइंस की भाषा में एक बढ़िया केमिस्ट्री बन गई, केमिस्ट्री बन गई। और उन लोगों, उन केमिकल्स की, मतलब उनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी, मैं जो 2 बूंद गया तो वो 2 बूंद भी उसके साथ मिक्स हो पूरी घुल गई है, घुल गई पूरी, जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है, शक्कर घुल गई बिल्कुल वैसी। तो वो ये जो है, जैसे मिर्ज़ापुर में आपने बताया है कि बड़ा एक टफ वो रहता है ना, कि जब आप कोई रोल लेते हैं तो दिल में अंदर तूफान चलता है कि यार कैरेक्टर तो मिल गया है ना हमको। देखिए कोई भी चीज़ है, जिंदगी में सफलता जब मिलती है तो आदमी खुश होता है, लेकिन उसके बाद असली से शिखर पर जाना आसान है लेकिन शिखर पर टिकना मुश्किल है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, एक अच्छी बात यह है कि ये जो कैरेक्टर था ये काफ़ी हद तक मेरे अपने पर्सनल, मेरा जो खुद का किरदार है उससे मिलता जुलता था। मैं भी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, जब बहुत क्लोज फ्रेंड रहते हैं तो खुल जाता हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा एक मेरा थोड़ा सा जिसको बोलना चाहिए कि शाय नेचर है, थोड़ा सा कम बात करने वाला, जितना पूछा उतना बताने वाला, जो कि इस कैरेक्टर के साथ था। तो उस हद तक तो एक थोड़ा सा फ़ायदा मिला कि भाई चलो अपने पर्सनल उससे मिलता जुलता किरदार है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी था कि एज एन एक्टर भी आपको ये देखना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, मतलब बहुत लिमिटेड दायरे थे इस किरदार के। कोई फैलने वाला किरदार हो या जिसके पास थोड़े हैवी डायलॉग्स हों, या जिसके पास ऐसा हो कि भाई उसका एक मोटिव है कि भाई इसको रिवेंज लेना है, या इसको इसका ये मकसद है, इसका ये मकसद है, तो फर्स्ट सीजन में वो थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगा कि भाई इस किरदार का एक्चुअल मोटिव क्या है, क्या ये सिर्फ है कि हाँ चलो ठीक है साइड में है बस और कुछ नहीं है। धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं अच्छा ये भी कहीं ना कहीं हिडन बिहाइंड द सीन वाला एक गाइडिंग फोर्स चल रहा है। तो उसको फिर धीरे धीरे उस तरीके से समझ के और उसको वैसे प्ले करना शुरू किया। सीज़न 3 में आते आते वो चीज़ और थोड़ी सी परिपक्व हो गई, क्योंकि आप कर लेते हो तो आपको और समझ में आता है, आप बाकी स्क्रिप्ट के साथ आप आगे कैसे स्टोरी बढ़ रही है वो समझ में आता है। तो धीरे धीरे करके एक एक कदम लेते हुए वो फाइनली
चलते चले गए। आप जब जिस मुकाम पर आज हैं, कैसा महसूस करते हैं आज आप सब? और दूसरा एक बड़ा सवाल है कि जब हमारी कोई भी हम एक बड़ी मूवी कर लेते हैं या हम वेब सीरीज़ कर लेते हैं, एक हमारी एक इमेज क्रिएट हो जाती है पब्लिकली, वो इमेज को फिर बदलना मुश्किल पड़ता है लोगों के लिए। श्री राम आज भी श्री राम ही नज़र आते हैं लोगों को, ये कहेंगे अरुण गोविल जो है अब श्री राम ही हो गए, तो एक एग्जांपल है। लेकिन क्या लग रहा है कि मतलब इसको बदला जा सकता है, ये वही रहना चाहिए जैसा है, अच्छा है या कुछ और? देखिए, इससे पहले कि मैं इस बारे में सोचूं या राइटर्स इस बारे में सोचें कि सीज़न 4 में इस किरदार के साथ क्या करना है, ऑडियंस ने ऑलरेडी अपने कयास लगाना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी मेरे कैरेक्टर को उन्होंने एक रहस्यमयी वो दे दिया है कि भाई ये किरदार जो है इसका ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ये एक बिकॉज एक जो खाका जो है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर आदमी कुछ ना कुछ मतलब के लिए कर रहा है, तो उनको ये एक्सेप्ट करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है कि भाई यार ये इतना सीधा कैसे, इसका भी कुछ तो मोटिव होगा। तो मतलब जिस दिन सीरीज़ रिलीज़ हुई थी उसके दूसरे तीसरे दिन से कुछ मीम्स और लोगों ने मेरे को पर्सनल कमेंट करके कि भाई आप क्या करने वाला है, आपका किरदार क्या कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, इतना सीधा तो नहीं हो सकता। तो इससे पहले कि मैं राइटर सोचूं, ऑडियंस ऑलरेडी अपने कयास लगा रही है, तो अब देखते हैं आगे क्या शेप लेता है ये किरदार और किस तरीके से चेंज होता है। पर क्योंकि जिस तरह की मिर्ज़ापुर की एक दुनिया है, काफ़ी कुछ रियल वर्ल्ड के जैसी है, जहाँ पे आप उम्मीद आपको पता है कि भाई ये आदमी इस तरीके का है या इस पर्सनालिटी का है, लेकिन फिर भी आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि कभी अगर वो बदलेगा तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। यस, मतलब ये बड़ा रोचक है, तो काफ़ी रियल लाइफ वाली चीज़ है कि यार कल को हो सकता है कि बदल भी जाए, बदल भी जाए। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, सब आपका सफ़र बहुत पहले शुरू हुआ था और आपने मूवीज़ भी की हैं, तो वो जो दौर था और अब जो दौर है, ये कितना फ़र्क आ गया इसमें जब आपकी एंट्री हुई थी और अब आज 2024 में जब आप खड़े होकर देख रहे हैं? जी, वर्किंग तो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। वर्किंग से ज़्यादा मैं बोलूँगा जो काम करने वाली जो टीम रहती हैं उनका जो एक वो बहुत चेंज हुई है कि अब बहुत यंगर लोग आने लगे हैं। डायरेक्टर्स जो हैं 25-30 साल के लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं वो डायरेक्शन में आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले ऐसा रहता था कि भाई डायरेक्टर है मतलब सीनियर आदमी जिसने 20 साल काम किया है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया है, उसी को मौका मिलेगा। लेकिन अभी क्योंकि कंटेंट भी बहुत सारा बन रहा है, अब फिल्म स्कूल्स बहुत सारे हमारे यहाँ अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देने वाले प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी हो गए हैं, तो उससे बहुत अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है। तो एक तो एज ग्रुप जो काम करने वाले आपके साथ वालों का है वो बहुत यंग हो गया है, बहुत यंग हो गया है। कई जो रहते हैं वो आपसे 20-20 साल छोटे रहते हैं जो आपको डायरेक्शन दे रहे होते हैं, और अच्छा भी लगता है कि यार देखो भाई ये आदमी इतना सुलझा हुआ है और इस तरीके का इसकी समझ है कि भाई कहानी को लेके या किरदार को लेके या एक जनरल लाइफ को लेके इसकी समझ इतनी अच्छी है कि उतने तरीके से काम कर रहा। तो वो एक फंक्शनिंग चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा जिसको बोलना चाहिए कि मेटिकुलस हो गया है काम की, बिल्कुल टाइम लिमिट्स और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अब फॉलो और ज़्यादा हूँ, पहले भी होती थी लेकिन अब और ज़्यादा उस चीज़ को लेके काम होता है कि बहुत सिस्टमैटिक सारा काम। पहले थोड़ा सा एक वो रहता था कि हाँ चलो ठीक है अभी नहीं कर लेते, लेकिन अब ऐसा है कि भाई इतने दिन में आपको शूट करना है, ये आपका बजट है, ये डेडलाइन है, तो काफ़ी हाईटेक हो गई। हाँ, हाईटेक भी हो गई, टेक्नोलॉजी की भी मदद मिली, कैमरे बहुत चेंज हो गए हैं, छोटे छोटे इतने इतने से कैमरों के साथ काम होने लगा है। पहले तो ऐसा रहता था कि ताम झाम लग रहा है, लाइटें लग रही हैं, ट्रॉली लग रही है, अभी फटाफट से ये सेट हुआ, ये सेट हुआ। वो लाइटों की गर्मी जो रहती थी वो अलग परेशान करती थी, अभी अभी LED आ गई हैं तो उसमें एक बड़ा आराम हो गया है। साउंड का पहले बिल्कुल साइलेंस रखना, अगर सिंक साउंड कर रहे हैं तो कहीं से आवाज़ नहीं आ सकती। अब तो जैसे अब हम यहाँ भी बैठे हैं, पीछे आवाज़ भी आ रही है लेकिन आप धीमे डायलॉग बोल के नहीं, तो पहले ये रहता था कि जरा आपने आप मूड में जाने के लिए सॉफ्ट गए, साउंड वाला आके बोलते थे सर थोड़ा सा वॉल्यूम। अब ऐसा है कि टेक्नोलॉजी उस हिसाब से तो वो वर्किंग बहुत इजी हो गई है, चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक हो गई और ज़्यादा हो गई, पहले तो थी अब और हो गई। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है अहम, क्योंकि आप इंदौर से हैं जी, तो ये सवाल तो बनता है कि इंदौर से जो सफ़र शुरू हुआ है उस समय कैसे शुरुआत हुई थी? मतलब क्या पढ़ाई वढ़ाई का बिल्कुल मूड नहीं था आपका कि पढ़ाई नहीं करना मुझे, या कुछ और एक्टिंग में शुरू से थे? नहीं, मैं पढ़ाई में इनफैक्ट थोड़ा सा स्कूल के जो अभी दोस्त मिलते हैं तो उनके हिसाब से मैं बोलूँ तो पढ़ाकू टाइप का था, स्टूडियस लड़का था। एक्टिंग लाइन में मेरा कभी भी मैंने कभी एज अ करियर ऑप्शन देखा ही नहीं था एक्टिंग लाइन को, स्कूल में कॉलेज में मेरा एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने काफ़ी सारे अलग अलग जॉब किए, काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड्स में काम किया और वो किस्मत मुझे एक्टिंग लाइन में लेके आई है। जो एक वो रहता है कि बचपन से एक रहता है कि यार हीरो बनना या ग्लैमर का चस्का रहता है या एक्टिंग का चस्का रहता है, वो मुझे कभी नहीं था। मैंने ना स्कूल में, मैंने 6th क्लास में एक नाटक किया था जो टीचर ने बोला था कि तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी है तुम करो,
तो मैंने कर दिया था। उसके बाद से मैंने कभी एक्टिंग को लेकर कुछ सोचा नहीं था। ये किस्मत थी, किस्मत मेरे को कई सारे जॉब्स कराते 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 फाइनली मैंने थिएटर भी मैंने अपने एक स्टूडेंट के इंसिस्टेंस पे किया कि सर आप करो आपको मज़ा आएगा, तो मैंने वर्कशॉप किया, फिर ड्रामा ग्रुप ज्वाइन किया, फिर अपना ग्रुप शुरू किया, मेरा अपना खुद का थिएटर ग्रुप भी है, तो थिएटर करना शुरू किया। तब जाके ऐसा लगा कि नहीं यार अब एक्टिंग लाइन में ही करियर बनाना है। तो मैं 2008 में 33 साल की उम्र में बम्बई गया था। मैं स्कूल कॉलेज के बाद से जी 2008 में मैं गया था, तो दैट टाइम आई वॉज 33। तो मतलब जिस टाइम पे लोग सेटल होने की सोच रहे होते हैं उस टाइम पे मैं एक नई फील्ड में, टोटली नई फील्ड में कूद गया था। क्योंकि एक तो ये था कि घर से बहुत सपोर्ट था, उनका ये था कि भाई अगर आपको कुछ करना है, जो करना है करो, तुमने देख लिया है, ठीक से समझ लिया है, तो वो उसके बाद करो, तो वो था। और दूसरा मैं जो एक बिलीव करता हूँ कि आप अगर कुछ करना चाह रहे हो तो कर लो, बाद में सोच के कि यार नहीं कर पाए उसके बजाय करके फेल हो जाओ, मलाल नहीं रहना चाहिए कि यार कर लेते शायद हो जाता। और एक और चीज़ की जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने बॉम्बे जाने का भी जो डिसाइड किया था वो ऐसे हुआ था कि वन फाइन डे मैंने बोला यार अब नहीं करना है मेरे को, मैंने रिज़ाइन दे दिया। ऑफिस में एक महीने का नोटिस पीरियड रहता था, मैंने वो भी नहीं किया, मैंने बोला मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, महीने का एंड में मैं अगले हफ्ते से नहीं आऊँगा, और मैं मुंबई आ गया। हाँ वो हो गया था। बट वो जनरली कहीं ना कहीं उसको अब कुछ लोग बोलेंगे कि रैश है, कुछ लोग ये बोलेंगे कि जब जिस चीज़ में मुझे मज़ा नहीं आया तो मैंने फिर फ़ौरन छोड़ दी, मैंने फिर सोचा नहीं कि यार नहीं करियर का देखते हैं, मतलब इसमें नहीं मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्ती कुड़ कुड़ के काम करने के बजाय इसको छोड़ दो, जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। मतलब दोस्तों लर्निंग दे रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, हम दोनों तो बात कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन एक बड़ी लर्निंग दे गए कि ज़िंदगी में अगर आपको मज़ा ना आए कोई काम करने में तो उसे छोड़ दीजिए और उसी को कीजिए जिसमें आनंद आता है, क्योंकि ज़िंदगी का असली रस वही है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे साथ रोहित जी। और जो एक बड़ा प्रश्न और है, आपका जो सफ़र 2008 में शुरू हुआ, आज हम 24 में बैठे हैं, अब जो नई जनरेशन है उसमें और आपकी या हमारी जनरेशन में तकरीबन 30 साल का अंतर आ जाता है, 30 से 35 साल का, ये जनरेशन गैप जो है ये फैमिली में तो दिखता ही है, इंडस्ट्री में भी दिखता है या बदल गया है? नहीं नहीं डेफिनेटली इंडस्ट्री में भी ये एक गैप आया है, बिकॉज क्या है पूरा, मतलब जिसको बोलना चाहिए कि आप पूरा माहौल चेंज हो गया, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आपका जो एक अपब्रिंगिंग का तरीका बच्चों का है, जो आपका सोसाइटी का माहौल है, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है। कई बार अब जब काम करते हैं यंगस्टर्स के साथ तो ऐसा लगता भी, अपने आप को थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन वाला फील करते हैं कि यार ये ऐसे कैसे काम हो रहा है, ये तो इस तरीके से होता है। हम लोगों का जो था उसमें एक और चीज़ जो मैं सबको यही बोलूँगा, अगर किसी भी लाइन में आप जाना चाह रहे हैं, जो सर ने बोला अभी कि मज़ा आना चाहिए, और जिस लाइन में आपको मज़ा आ रहा है लेकिन उस लाइन की आपको उस लाइन में जो भी है फील्ड करियर हो या जो भी चीज़ हो उसकी समझ होना, उसके बारे में स्टडी करना और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ी एक बात है कि लोग अक्सर शॉर्टकट पे जाते हैं, आजकल की जनरेशन शॉर्टकट पे जा रही है, तो शायद आप उसी पॉइंट पे मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि अभी क्योंकि जो एक रील वाला जो कल्चर आया है उसके कारण सबसे अच्छी चीज़ है कि लोगों की झिझक निकल चुकी है। लोग अब उतना कैमरे के सामने, कैमरा शाय नहीं है अपने मोबाइल के सामने होने के कारण, लेकिन फिर भी एक्टिंग जो है वो पूरा क्राफ्ट है। आप जो 15 सेकंड में एक रील में एक्सप्रेशंस देते हैं या स्टेप्स करते हैं वो करना, और एक पूरी सीरीज या एक पूरी फिल्म में काम करना और स्पेशली कैमरे के सामने काम करना, बिकॉज एक्टिंग जितना क्राफ्ट एक पर्सनल लर्निंग का या इमोशन से डील करने का है उससे कहीं ज़्यादा वो एक टेक्निकल पार्ट है कि भाई लॉन्ग शॉट है, क्लोज शॉट है, मिड शॉट है, आपको खड़ा कहाँ होना है, देखना कहाँ है, आपको लाइट लेनी है, आपको क्यूज़ का ध्यान रखना है सामने वाले एक्टर्स के। कई बार डायरेक्टर आपको बोलेगा कि भाई ये शब्द लेके आप यहाँ चल के यहाँ जाओगे, कैमरा घूम के वहाँ आएगा, आप ग्लास उठाओगे यहाँ लेके आओगे, इनको ग्लास दोगे, तो टेक्निकल का काम बहुत हो जाता है। वो आज जनरेशन नहीं चाहता, तो वो सीखने के लिए आपको देखना भी पड़ेगा और ओपन रहना पड़ेगा। कैमरे के सामने क्या, हमने कैमरा फिक्स किया और हम कहीं भी मूव कर रहे हैं, या आपका कैमरामैन आपके साथ रैंडम मूव कर रहा है। लेकिन फिल्म मेकिंग में क्या होता है, बहुत टेक्निकल, भी ट्रॉली है, अब स्ट्रेट ट्रॉली है, राउंड ट्रॉली है, वो कितने पॉइंट पे चलना चालू कर रही है, कि आपका आधी लाइन तक ट्रॉली स्टैटिक है लेकिन आधी लाइन के बाद ट्रॉली चलना चालू करेगी जब इमोशनल मोमेंट आ रहा है, तो अब आपको उस इमोशन में भी रहना है। सामने वाले एक्टर से भी इंटरेक्ट करना है, एट द सेम टाइम कॉर्नर ऑफ द आई से आपको ट्रॉली का भी देखना है कि जब ट्रॉली चलना चालू करेगी तब मुझे जो डायरेक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं या जो स्क्रिप्ट के हिसाब से इंस्ट्रक्शन वो चेंज होने, मतलब नॉन लिविंग थिंग से दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, तो टेक्निकल बहुत ज़्यादा है,
पर्सनल एक्टिंग जो है वो इमोशन से रिलेटेड तो है, लेकिन जब आप सेट पे पहुंचते हो तो इट बिकम कि आप बहुत इमोशन में गए और कट हो गया क्योंकि लाइट बंद हो गई। अब आप वापस उस मूड में जाओ, फिर आप करने लगे सामने वाले ने गलत क्यों दे दिया, फिर आप वापस जाओ पीछे से कुछ आवाज़ आ गई, फिर पता लगा कि सब कुछ सही हो गया, कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। अच्छा शूट के दौरान भी ऐसा हुआ है कि ये होता है बहुत बार होता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप रिटेक होने लगा, अब वो कैमरे की बैटरी बची है, 2 मिनट की बची है, अब शॉट लंबा है तो फिर वो बोलेगा कट कट कट, वापस नई लगानी पड़ेगी क्योंकि पूरा लंबा शॉट, तो फिर आप वापस उससे कट करके वापस आओ। कई सारी टेक्निकल चीज़ें और होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि भाई सपोज ऐसा कुछ मोमेंट है कि जिसमें वो गिलास गिरना चाहिए, अब वो आपके ऊपर है कि आपको वो करके चलने में गिलास गिराना है, अब वो दिखना भी नेचुरल है। आपने डायलॉग बोला, आप गुस्से में पलटे और आपको गिलास गिराना है, वो गिलास कैमरा के हिसाब से सही जगह भी गिरना चाहिए क्योंकि उस गिलास में सपोज कुछ पड़ा हुआ है जो कि जिसको जूम करना है। तो अब ये सारी सेकंड बड़ा इम्पोर्टेंट, तो ये जो सारी चीज़ें हैं टेक्निकल हो जाती है, तो इसके लिए आपको अगेन ऑब्वियसली आप कैमरे पे जितना काम करोगे उतना आएगा, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको ओपन टू लर्निंग होना, आपका दिमाग ये रहना चाहिए कि हाँ भाई सीखने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी वो चीज़ हो पाएगी। अच्छा, आप जैसे जो लोग हैं ना, जो कैरेक्टर्स हैं, वो थिएटर में जिए हैं और थिएटर बड़ा उन्होंने पसंद किया और उसी से मतलब उनकी जड़ें वहीं थी, थिएटर का जो अब समय है क्या अभी है, चला गया, नहीं हमेशा रहेगा? जो आजकल शॉर्ट फिल्म्स आने लगी हैं तो बच्चे उसमें ज़्यादा अक्सर इंटरेस्टेड हैं, तो आपकी जो सीख है क्या रहेगी जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए, क्या गाइडेंस रहेगा? देखिए मैं सबको ये चीज़ बोलता हूँ कि थिएटर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और सबको लाइफ में एक बार तो कुछ समय के लिए किसी थिएटर ग्रुप के साथ काम करना चाहिए, बिकॉज थिएटर जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। आप सोलो प्ले भी कर रहे हो तो भी आपको लाइट वाला, साउंड वाला, बैक स्टेज वाला, सब लोग चाहिए। तो जितना आप एक ग्रुप में काम करना, अलग अलग लोगों के साथ काम करना, एक दूसरे के इमोशंस को समझना, एक दूसरे के अच्छी बुरी बातों को समझना, जितना आप लाइफ में थिएटर से सीखते ना, उतना मुझे नहीं लगता किसी और फील्ड में या किसी और क्षेत्र में आप सीख पाते। तो थिएटर तो सभी को करना चाहिए, भले ही आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं भी हो। आजकल बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मैनेजमेंट में थिएटर का यूज़ कर रही हैं, जो ट्रेनिंग्स रहती हैं कई तरह की, जैसे आजकल जेंडर सेंसिटिविटी को लेके या आपके और तरह की चीज़ों को लेके जो है, तो वो थिएटर के थ्रू ट्रेनिंग कर रही हैं, बिकॉज वो एक कॉरपोरेट थिएटर एक अलग सेगमेंट है जहाँ लोगों को उस तरीके से सिखाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बहुत अद्भुत फील्ड है, सबको करना चाहिए, जिनको एक्टिंग फील्ड में जाना उनको तो करना ही चाहिए, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो करना चाहिए। मिर्ज़ापुर के जो सेशन आ रहे हैं सर, सीज़न आ रहे हैं सॉरी, वो लोग खूब पसंद कर रहे हैं, अब आगे क्या क्या आने वाला है? ये हालांकि बड़ा मुश्किल है क्योंकि दुश्मनी हो जाएगी टीम से, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मिर्ज़ापुर का सीज़न 4 आएगा आगे, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। तो देखिए राइटर्स के ऊपर रहेगा, मेकर्स के ऊपर रहेगा, अभी हमारे लिए इतना है कि, और मैं आज ही अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि मतलब पिछले महीने की 5 तारीख को सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, अभी आज 5 तारीख भी नहीं हुई, 1 महीना भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी ऐसा लगने लगा कि यार ये तो पुरानी हो गई, अब नया, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी, लोगों ने सब बिंज वॉचिंग का ज़माना है, एक दिन में एक रात में निपटा दिया पूरा पूरा बैठ कर, तो वो अब ये लगता है कि अब क्या तो अब हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि मतलब ये वही सीन हो गया कि हर रविवार रामायण आएगी तो अगले आप एपिसोड इंतजार करो इंतजार, आप तब लेकिन वो इंतजार 7 दिन का था, ये बड़ा लंबा इंतजार, लेकिन तब फिर भी थोड़ा सा एक धीरज रहता था कि भाई चलो एक हफ्ता रुकना है, अभी क्या वो नहीं रहता, अब ऐसा लगता है कि भाई ये तो हमने देख ली, अब सीज़न 4 दे दो हमको। मतलब ये सब ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है एक तरह से, अच्छा भी है और कहीं ना कहीं बुरा भी है, बिकॉज क्या होता है ना कि अभी एकदम इससे इतनी एक्सपेक्टेशन है, फिर अब जब अगले साल तक जब वो आएगा तब तक थोड़ा सा वो हो जाता है कि वेट करते करते वो वैसा है कि पहले एक रोटी मैंने खा ली, जल्दी दूसरी लाओ। हॉलीवुड हावी हो रहा है क्या सर बॉलीवुड पे, ऐसा लग रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। देखिए उनका कंटेंट अपनी जगह है, उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो अलग है, हमारी अलग तरह की। हाँ ये है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा कंटेंट पे और काम करना पड़ेगा, कंटेंट रिच और होना पड़ेगा। अगर आप देखें मलयालम फिल्म्स देखें जो बन रही हैं, जिस तरह के कंटेंट पे बन रही हैं, ऐसी सिंपल सिंपल सी चीज़ों को लेके कहानियाँ बन जा रही हैं,
लेकिन हाँ, वो लोग इतनी... पहले सोचते नहीं थे, अभी कहानियों वैसी आने लगी हैं जो हाँ, हमारे आसपास हाँ, की हैं, बहुत आसपास की, पहले सास बहू ही तक सीमित था। एग्जैक्टली, तो रीजनल सिनेमा जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत रिलेटेबल स्टोरीज ला रहा है। हिंदी को थोड़ा सा, और हिंदी सिनेमा को जो है ना थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कंटेंट के ऊपर। बिग बजट और जो बोलते हैं आप 100 करोड़ की फिल्में जो 500 करोड़ कमाए वो अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटी फिल्में हैं उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज उसी से नया टैलेंट आता है। छोटी फिल्मों से ही आपके दिवाकर बनर्जी आए, छोटी फिल्मों से ही आपके बाकी जो घोसला का घोसला हो, चाहे भेजा फ्राई हो, इस तरह की फिल्में जो आती हैं, तो वो छोटी फिल्मों से ही ऐसे, क्योंकि जब कहीं ना कहीं मेरा हमेशा ही मानना है कि सृजन जो है वो अगर जिसको बोलना चाहिए लिमिटेशन में हो तो बहुत ज़्यादा निखर के आता है। जब अगर सब कुछ आपके सामने पूरा सब दे दिया कि भाई जो करना है करो, तो फिर आप फैल जाते हो, वो मैदान खोल दिया। एग्जैक्टली, जब जब आपके पास एक बाधा, एक लिमिटेशन रहता है, दायरा रहता है, तो उसमें सृजन जो होता है, क्रिएटिविटी जो रहती है, वो बहुत निखर के आती है। ये बहुत बड़ी बात। और छोटी फिल्में जो रहती हैं वो कंटेंट रिच रहती है, क्योंकि उनके पास ऐसा स्पेशल इफेक्ट्स दिखाने के लिए नहीं है, बड़े स्टार्स नहीं है, तो फिर वो कंटेंट पर काम करते हैं और वो कंटेंट फिर हम रिलेट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे हमको फोकस करना पड़ेगा, उस चीज़ को फोकस करना। जो अगर हम आपके फ्यूचर प्लान की अब बात करूँ मैं, क्योंकि अब हम एंड में हैं इंटरव्यू के, तो एक दो सवाल ऐसे जो आपके खुद से जुड़े हुए हैं, जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है मिर्ज़ापुर के बाद, और क्या अभी 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में जो रिलीज़ होंगे। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक फिल्म है वो आएगी, एक वेब सीरीज़ है कुल नाम से जो बालाजी और 9PM फिल्म्स ने बनाई है, तो वो रिलीज़ पे है। हिसाब बराबर नाम से एक और फिल्म है जो रिलीज़ होगी। TVF की एक वेब सीरीज़ है कोर्ट कचहरी नाम से, वो आएगी। उसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ अभी, तो 4-5-6 प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। अभी मैं थोड़ा सा गैप लेने के लिए छुट्टी लेके घर आया हुआ था, अगस्त में वापस घर जा मुंबई जा रहा हूँ, तो वापस जन्मभूमि से कर्मभूमि पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर फिर और नए प्रोजेक्ट्स की बातचीत और मीटिंग शुरू हैं, वो उनको फाइनल करेंगे, तो ऐसा चल रहा है। अच्छा, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, आखिरी सवाल, इसके बाद हम इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर अभी कुछ बुरा हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत नीचे चले गए हैं, तो इसके बाद ऊपर आना ही बचा है। और अगर कोई चीज़ आपके लिए इस वक्त नहीं फलीभूत हो रही है, तो ये जानिए कि जब एक साल बाद आप लुक बैक करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, अच्छा हुआ ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता। तो इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये एक मेरे हिसाब से मूल मंत्र है। हाँ, मतलब मैं इसके हिसाब से जीता हूँ। हाँ, मतलब जो ईश्वर ने आपके लिए रच दिया है वो रचा गया है, है ना, कि आप, वो आपको सिर्फ अपना कर्म जो, हालांकि ये थोड़ा सा फिलोसफिकल उसमें चले जाएंगे और ऐसा लगेगा कि बुजुर्गों टाइप बात हो रही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बट ये है कि जैसे अब एक्टिंग का जैसे था, तो मैं पहुंच गया उसमें, मैंने ये नहीं सोचा कि यार 4 साल बाद 2 साल बाद हीरो बनना है, ये करना है, वो करना है। मैं सीधे अपने रास्ते पे चलता गया, मुझे जो जो काम आता गया, जो अच्छा लगा वो मैंने किया, जो ऐसा लगा कि नहीं करना है वो मना कर दिया। सिर्फ फोकस इस पे था कि भाई एक्टिंग लाइन में जाना, अच्छा काम करना है, एक्टिंग करनी है, तो वो होता रहा। तो जो आपको कार्य करना है उस पर आप फोकस रखो अपना और चलते जाओ, उसमें जो मुश्किलें आएंगी उनको पार करना ही है, जो फेलियर्स आएंगे उनसे सीखो और आगे बढ़ते जाओ। अगर आप फेलियर्स को लेके छोड़ दोगे कि अरे यार अब क्या है, अब तो ख़त्म हो गया सब, तो वैसे नहीं चलेगा। वो मुश्किलें तो आती हैं, मुश्किलें आने के बाद ही वो आप आगे बढ़ते हो, बीज को भी वो बीज का पेट फाड़ के ही पौधा निकलता है, तो वो जो तभी होगा। तो जो फटने में दर्द हो रहा है वो होना है, और उसके बाद पेड़ बढ़ता जा रहा है, उसमें फिर कीड़े भी लग रहे हैं, बारिश भी हो रही है, लेकिन वो बढ़ता चला जाता है और एक पॉइंट के बाद ही वो पेड़ बनता है, फिर वो फल आना शुरू, फिर फल आना शुरू होते हैं। तो वो बीज से पेड़ बनने का जो सफर है वो आपको करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। सही बात है। खैर, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपने मुझे बहुत समय दिया और ज़िंदगी की बड़ी अच्छी चीज़ें से लोगों को बताई हमारे ज़रिए। दोस्तों, एक लाइन से अपनी बात खत्म करूँगा, जैसा रोहित जी ने कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा, यानी ईश्वर ने जो आपके लिए रच दिया है वो तो होना है, लेकिन अपनी मेहनत और अपने प्रयासों को आप बनाए रखें, वो पीछे न रहें उसमें, क्योंकि ईश्वर भी उसी को देता है जो मेहनत खुद करता है और अपनी तकदीर खुद लिखता है। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव इंदौर। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP लाइव प्रीमियम।